अम्बाला में कोरोना के बाद अब डेंगू ने दस्तक दे दी है। अब तक अम्बाला में डेंगू के 9 मरीज सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर घर जाकर ब्रीडिंग चेकिंग अभियान भी चलाया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा निगम को फॉगिंग करने के लिए पत्र लिखा गया था, लेकिन अभी तक निगम द्वारा फॉगिंग का कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि डेंगू मरीजों के घरों के आसपास के घरों में भी रैपिड डेंगू टेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं निगम अधिकारी कल से फॉगिंग शुरू करने का दावा कर रहे हैं। बता दें, कोरोना के बाद अब डेंगू ने अम्बाला में स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी है, क्योंकि अम्बाला में अभी डेंगू ने पैर पसारने शुरू कर दी है। अब तक अम्बाला में डेंगू के 9 केस पाए जा चुके हैं, जबकि पिछले साल अम्बाला में डेंगू के 42 मामले दर्ज किए गए थे। अब की बार स्वास्थ्य विभाग द्वारा ब्रीडिंग चेक कर भी रखे गए हैं, जो घर घर जाकर मच्छरों का लार्वा चेक कर रहे हैं और लार्वा मिलने पर मकान मालिक को नोटिस भी दे रहे हैं। वहीं शहरी इलाकों में फॉगिंग करने का जिम्मा नगर निगम के पास है, लेकिन अभी तक निगम द्वारा अम्बाला में फॉगिंग शुरू नहीं की गई है। सीएम कुलदीप सिंह ने बताया कि अम्बाला में अभी तक डेंगू के 9 मामले सामने आए हैं। डेंगू मरीजों के घरों के आसपास के 50 घरों के डेंगू टेस्ट किए जा रहे हैं। हमारी ब्रीडिंग चेकर टीम लोगों के घरों में जाकर सतर्क कर रही है। दूसरी बार घर में लार्वा मिलने पर 2500 रुपए का चालान किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निगम को जुलाई में फॉगिंग करने के लिए पत्र लिखा गया था। बता दें, जुलाई में स्वास्थ्य विभाग द्वारा पत्र लिखने के बावजूद अभी तक निगम द्वारा अम्बाला शहर में फॉगिंग शुरू नहीं की। जब निगम अधिकारियों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पत्र प्राप्त हुआ है, कल से अम्बाला में फॉगिंग शुरू की जाएगी। हमने वार्ड वाइज शेड्यूल बनाकर फॉगिंग का प्लान बनाया हुआ है। जिन इलाकों में गंदा पानी खड़ा है उनकी भी सफाई होगी। हमारे को रिक्वेस्ट प्राप्त हुई है सीएमओ की तरफ से, और हम आज शाम से या कल सुबह से फॉगिंग स्टार्ट करेंगे। अभी तक क्या कारण रहे कि शेड्यूल जो है वो नहीं बन पाया? कारणों के बारे में पता करेंगे, अभी मैं कारण के बारे में कुछ नहीं कह सकता। जो भी है, क्योंकि एक गंभीर बीमारी है डेंगू जो है, हम एक टीम बना के फॉगिंग भी स्टार्ट करवाएंगे, और जहाँ जहाँ पानी खड़ा होता है, वाटर लॉगिंग है या कोई और इश्यूज़ हैं, उनको भी टीम बना के एक चेक करवाएंगे। अगर कहीं कोई पानी खड़ा है उसको दूर करेंगे और करेंगे, तो डेंगू से लड़ाई में बिल्कुल हम साथ देंगे सिविल सर्जन से। कब से शुरू हो रही है सर, किन किन इलाकों में? कल से शुरू हो रही है, और अलग अलग वार्डों का हमने शेड्यूल बना लिया है, हम आपको शेयर भी कर देंगे, और कल से ये फॉगिंग शुरू कर देंगे। कितना फायदा देखते हैं सर फॉगिंग से? फॉगिंग से काफ़ी फायदा होता है, नेचुरल सी बात है, ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, पर फॉगिंग से फायदा तो होता ही है। देखिए, अम्बाला में डेंगू के आज तक 9 केस सामने आ चुके हैं, और ये 9 केस पिछले कुछ दिनों में सामने आए हैं, इस पर हम नज़र रखे हुए हैं। हमने जुलाई में ही इसके लिए नगर निगम को लिखा था कि वो फॉगिंग जहाँ जहाँ भी केस आए या जहाँ पे मच्छर ज़्यादा पनपने हैं वहाँ फॉगिंग स्टार्ट कर दें, और जो जो केस सामने आते हैं तो हम नगर निगम को इन्फॉर्म भी करते हैं अब उस एरिया में फॉगिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है फॉगिंग की मशीनें नगर निगम के पास हैं, सिर्फ स्वास्थ्य विभाग दवाई देता है नगर निगम को, और हमारे पास दवाई की कोई कमी नहीं है, दवाई हमारे पास भरपूर मात्रा में है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग की हमने 50 जो ब्रीडिंग चेकर लगाए हैं, जो घर घर जाके ये चेक करते हैं भाई कहाँ पर मच्छर पनप रहे हैं, अगर कोई केस आता है तो उसके आसपास के 50 घरों में हम एक्टिविटी करवाते हैं, अगर कोई फीवर का उसका केस मिलता है तो हम बाकी जो जितने भी फीवर के केस हैं सभी के घरों में हम डेंगू की रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट से डेंगू का टेस्ट करते हैं। ताकि खबरनामा हरियाणा के लिए अम्बाला से पारुल की रिपोर्ट।